अज भी किसे ना किसे मारते किया तेरे दिल चते किया तेरे डब्बे कितनी गल। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ रहा। गैंगस्टर फील आ रही है यार इस गाने से मुझे, तो गुंडाई लड़ाई वाली फील आ रही है थोड़ी बहुत। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आपका मेरा हम सबका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सक्षम स्कूल लाइफ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। गाने का नाम है ड्रिपी एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सो सब्सक्राइबर्स, ऑडियंस, प्यार दो, आशीर्वाद दो, जो कमी लगे वीडियो में वो भी मुझे बताओ। तो जल्दी से जल्दी मैं गाने को प्ले करता हूँ, ड्रिपी बाय सिद्धू मूसेवाला, लेजेंड। म्यूजिक बाय मस्सी। दोस्तों स्टार्टिंग बड़ी अजब है, अजीब है, गजब है, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां वाड़ियां, कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, रफ से विजुअल आ रहे हैं, है ना। और मर्सी का म्यूजिक है, शो मर्सी जो लाइन आती है वो लड़की की, उसका म्यूजिक है। और अगर आप वीडियो को खास देखोगे जूम करके इस वीडियो को यूट्यूब पे, तो नीचे डेट भी आ रही है इसकी कि रिलीज कब हुआ है। देखो 2/2/2024 7:30 बजे वीडियो है। नवकिरण, नवकिरण ब्राड, नवकिरण ब्राड जी का वीडियो, विजुअल्स हैं। सिद्धू मूसेवाला ये या जट्टा वे जट्टा किवें आ की करदा है कल्ला बिच कदों आया जेल चुते हुण केड़े जब च लगदा है अज भी किसे ना किसे मारते किया तेरे दिल चते किया तेरे डब्बा कितनी गल। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ रहा है। दोस्तों वो कह रहा है मुझे कोई सीन लग रहा है, ये लग रहा है कोई कन्वर्सेशन है, लड़का और लड़की की बातचीत हो रही है कि लड़की बोल रही है जट्टा तू कहां से आया है, ऐसा कुछ बोल रहा है। कदों आया जेल चुते हुण केड़े जब च लगदा है अज भी किसे ना किसे मारते किया तेरे दिल चते किया तेरे दिल में क्या है, दिल में क्या है। ओहो लड़के का जवाब, लगता है सिद्धू पाजी जवाब दे रहे हैं कि टेढ़ा टेढ़ा मुझे मत देख, डोंट लुक एट मी दैट वे, मुझे ऐसा टेढ़ा मत देख, अपनी आंखों को संभाल। माइंड कर अख नु मारना हल्ला रे कंट्रोल कर लक, कह रहा हुलारे मत मार, मतलब पंजाबी जो ठुमका होता है, कह रहा वो हुलारा मत मार, अपनी लक को संभाल, अपनी वेस्ट को संभाल। ओ ये बड़ा एटीट्यूड में जवाब दियो, किलर किलर भाई किलर। दोबारा सुनते हैं, जट्टा वे जट्टा किवें आ की करदा है कल्ला बिच कदों आया जेल चुते हुण केड़े जब च लगदा है अज भी किसे ना किसे मारते, कह रहा है लड़की कह रही है लगता है मुझे फिर तू शिकार करने आया आज, यार तेरा मारने की प्लानिंग है किसी को, या तो तेरी लोगों को मारने की प्लानिंग है या तो शिकार करने आया कि या तेरे दिल, दिल में क्या, तेरे डब में क्या, डब च डेडा डेडा जागना माइंड कर अख मारना टू गुड पाजी। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जो मर्डर के बाद गाने आए अब तक सिद्धू पाजी के, अब तक जो स्टार्टिंग है मर्डर के बाद जो भी 3-4 गाने आए हैं अब तक उसका बेस्ट गाना लग रहा है इसमें। आवाज के साथ मेरे ख्याल से बहुत फ्रेश आवाज आ रही है सिद्धू पाजी की। और मैंने एक वीडियो देखा था सनी माल्टन का, यूट्यूब पे आप भी देख सकते हो, उन्होंने इस गाने के बारे में बोला है। वो बोल रहे जब एक गाना रिकॉर्ड हुआ था तो एक गाना रिकॉर्ड करके सनी माल्टन को भेजा था सिद्धू पाजी ने, तो सनी माल्टन जी ने कहा मैं इस गाने की बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। औसम ध्यान से, रोमांस आया, प्यार आया, देखो इसने आवाज अपनी कैसी चेंज की। इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से वॉइस मॉड्यूलेशन। दोस्तों दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी इसने ट्यून बदली है, पहरा बदला है, अंतरा बदला है, अंतरा बदला है, पहरा बदला है, और इसने ट्यून बदली है, बोलने का लहजा बदला है, सुनिए। गैंगस्टर फील आ रही है यार इस गाने से मुझे, तो गुंडाई लड़ाई वाली फील आ रही है थोड़ी बहुत। ਸੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੇ ਰਨ ਇਹ ਸਾਂਭਣੀ ਲੰਡੂਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਲ ਵੇ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਐ ਸਾਰੀ ਓਹੋ इसमें भी डेथ का इशारा दे दिया। ओहो मजा आ रहा है, दिल के अंदर झूम रहा हूं मैं अंदर ही अंदर, मजा दे दिया, पता है कहीं ना कहीं हिंट दे दिया इस गाने में भी। और ये गाना भी डेथ से पहले रिकॉर्डेड था पाजी का,
और ये गाना रिकॉर्ड हुआ है लेवल सॉन्ग रिकॉर्ड होने के बाद, एज पर सनी माल्टेन जी ये गाना रिकॉर्ड किया सिद्धू ने जहां भी स्टूडियो में या फोन में, ये रिकॉर्ड हुआ है क्या कहते हैं लेवल सॉन्ग आने के बाद। और सम वो कह रहे डेथ जिंदगी का क्या भरोसा है कभी खत्म हो जाए। ये कन्वर्सेशन लग रही है दोस्तों, गाना बताऊंगा, इनको दो सिंगर्स ने गाया है, रैप किया एआर पैसले जो कि लव सिक ये गाना आया था लव सिक, वो भी एआर पैसले का रैप था सिद्धू पाजी के साथ, और अभी इस गाने में भी एआर पैसले हैं, म्यूजिक है मर्सी का एंड विजुअल्स जो वीडियो जो की है, हालांकि बहुत रफ सा वीडियो है ना, कोई सिद्धू पाजी की फोटो दिखाई है, गाड़ियां घूमती दिखाई है, ऐसा लग रहा है कोई लड़ाई का सीन है, कोई होटल के बाहर का सीन है, कोई लड़ाई गुंडाई चल रही है, कुछ ऐसा गैंगस्टर वाली फीलिंग आ रही है दोस्तों। लेकिन आवाज बहुत फ्रेश है, लिखने के लिए मैं तो 100/100 दूंगा जो अब तक सुना है मैंने ये गाना, अब तक जो आप सुन रहे हो रिएक्शन जितना अब तक आया है 100/100 लिखा बहुत अच्छा है, कन्वर्सेशन है लड़की और लड़के की, लड़की ऐसा लगता है लाइन मार रही है लड़के पर सिद्धू पाजी पर, सिद्धू पाजी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वाह Yo, man, yo, feeling. Rap again, yeah, Pesle ka. Awesome. It's in your hands, do you understand? Don't get nervous, just stay focused. Aim at his dome, leave him where he stands. All of these bitches, they just a distraction. All of this fashion, all of this love, and all of this madness, all of these guns, and all of this action. Damn, all of this drilling, and all of this trapping, all of the bodies that's dropping and hitting the floor. Whoa, shit is so tragic. Fuck it, I'd rather do this on my own. I'm by myself, stop hitting my phone. I roll out the line, now that I'm grown, I don't need nothing. How could I tell if that was my dog? If she was feisty, floor check. If she was a hole, then how can I trust her when she says she white feet? Stop playing these games, cause out in these streets, the shit could get priced. थोड़े थोड़े मुझे वो गाना याद आ रहा है दोस्तों, माफी चाहूंगा, बस्ती का हस्ती बाय एमसी स्टैंड, उसमें कुछ ऐसा पार्ट आता है, यही रिदम फॉलो करते हैं एमसी स्टैंड, जो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत शायद, अगर आप एग्री करते हो तो जरूर बताना। पास ना मेरे गैप रख, स्टॉप सर्चिंग यू कैन, वो कह रहा है मेरे को ढूंढो मत, तुम दूर हो जाओ मुझसे, गैप रखो मुझसे, परे हो जा, लड़की को बोल रहे भाई साहब, ऐसा जवाब कौन देता है उस लड़की को, जवाब दे रहा है जो लड़की इसको लाइन दे रही है, जो गाने की स्टार्टिंग में ऐसा लगा, जो पूरी लिफ्ट दे रही है, जो रिस्पांस दे रही है, वो चाहती है कि सिद्धू से बात करे ऐसा लग रहा है, और सिद्धू ऐसे लग रहा है इस गाने में गैंगस्टर की तरह उसका जवाब दे रहा है कि मेरे को मत ढूंढ, मेरे को तू नहीं ढूंढ पाएगी, मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलूंगा, मैं तेरे को स्नैपचैट पे नहीं मिलूंगा, स्नैप पे जो आजकल यूथ है आज का स्ट्रीक बेचता है एक दूसरे को, स्ट्रीक का फैशन चल रहा है मेरे देश में आजकल, ना जाने क्यों, पता नहीं इसका क्या फायदा है, बट लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आंख जमा खड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कह रहा है मैं बहुत चौकन्ना हूं, और ऐसा लग रहा है कुछ ये सीन इमेजिनेशन चल रही है, ये क्लब में गया है, कोई लड़की ने बोला था कि तू क्लब में क्या करने आया है, ठीक है क्लब में गया, मुझे लगता है किसी को शूट करने गया, जो मैं सीन समझ पा रहा हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ है ना, लिरिक्स जो लिखी है सिद्धू पाजी ने, पूरे की इमेजिनेशन है इसमें, विजुअलाइजेशन है, वीडियो डायरेक्शन है इसमें, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस गाने का वीडियो अच्छा बन सकता था बट शायद पाजी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वीडियो पे उतना काम नहीं हुआ, पाजी अगर जिंदा होते इस गाने का वीडियो ऐसा नहीं आना था, मैं आई एम वेरी श्योर प्रीटी कॉन्फिडेंट इस गाने का वीडियो ऐसा नहीं आना था जैसा आया। दोबारा सुनते हैं, पास माता क्या प्रक, मुझे मत ढूंढो ना इंस्टा पे ना स्नैप, बातें मत कर, कह रहा है तू इधर आइए मस्ती करने है, और जट है ट्रैप पे ऐसे, या तो कोई इसका पीछा कर रहे हैं जान बचा रहे हैं, या ये किसी को मारने आया है, वहां पे होता ना कि पिक्चरों में दिखाते हैं कि लोग क्लब में जाते हैं नाचते वाचते हैं दारू पीते हैं फिर एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं है ना, तो वैसा कुछ लग रहा है। कह रहा है जब मैं काम कर दूंगा मैं टप जू, जब मेरा काम हो जाएगा वही है, कह रहा है जब मैं मर्डर कर दूंगा किसी को मार दूंगा या बदला ले लूंगा तो मैं निकल जाऊंगा यहां से, और तेरा काम यह है तू मुझे भूल जाना, कह रहा है तू जितनी देर है नखरे मत कर, दफा हो जा यहां से साइड हो, एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है मुझसे बात मत कर, नहीं मुझे सर्च करियो, यार इतना एटीट्यूड कौन दिखाता है किसी लड़की को, अजीब लग रहा है ये बंदा, या तो गैंगस्टर वाली फीलिंग है। और इसने एक और हिंट भी दिया गाने में, अगर दोस्तों बैक करके इस गाने को सुनना,
कहता भले मैं जो अपने दुश्मन होते हैं उनको मैं नोच डालता हूँ, उनकी बॉडीज को मैं नोच डालता हूँ एक चील की तरह। बीच में एक चील की आवाज भी आई थी, अगर आप गाने को रिवाइंड करके सुनोगे ऑडियो को तो ठीक है। तो कह रहा है चाहे मैं उनको नोच दूं पर मैं एक ऐसा जट हूं, मुझे जिस्मों की भूख नहीं है, मतलब मैं करेक्टरलेस नहीं हूं, मैं चरित्रहीन नहीं हूं। वाह वाह वाह, कितने वाह कहूं, कितने दिल कहूं, कितनी बार जीतोगे। अभी भी कहते ना मुखिया नहीं, हले मुखिया नहीं पाजी, पाजी आपकी बातें अभी भी मेरे दिल में चल रही हैं। और ये एक और गाना ऐड हो गया, लेकिन ये गाना शायद मैं अगले 5-6 साल कभी ना बोलूं, क्योंकि पिछले 7 दिन में 6-7 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने गाने नहीं सुना, सुबह उठकर भी और रात को सोने से पहले भी। और ये गाना एकदम सरप्राइज आया, जैसे सिद्धू कई बार अपनी ऑडियंस को सरप्राइज दिया करता है। कह रहा बाहर एक गाड़ी खड़ी है जो VIP नंबर की है, जिसपे नंबर नहीं लिखा, और जो कह रहे मेरे जो एनिमी है वो RIP हम उनके लिए बोलते हैं ना जो लोग मर जाते हैं। कह रहे जो मेरे दुश्मन है ना उनको मैं भी जगह बोल रहा हूँ रेस्ट इन पीस। ओहो, तो कह रहे बाहर एक मेरी VIP नंबर की गाड़ी पड़ी खड़ी है जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं है। माई VIP इज रेडी, बाहर मेरी VIP खड़ी है, गाड़ी VIP है और एनिमी को RIP। वेरी मेरा रिपिया मदरफकर। ओ लास्ट में ऐसा लगा वहां पे ये दिखाया कि गोलियां चली हैं, मतलब गाने के एंड में वो चीज दिखा दी जिसको डिस्कशन कर रहा था। रफ रफ वीडियो, सारा ब्लर है वीडियो। रफ जैसी स्टार्टिंग थी वैसी क्लोजिंग है। ओ यार, कोई विजुअल्स पे काम नहीं, कोई महंगा खर्चा नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई मॉडल का यूज नहीं। दोस्तों बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ। इमोशंस तो होंगे क्योंकि पाजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बट एक्साइटेड क्यों, इस वीडियो में बोलना चाहूँगा कि ये पहला गाना है शायद जिसमें इनकी आवाज़ मुझे सबसे ज़्यादा ओरिजिनल, सबसे ज़्यादा फ्रेश लगी है। डेथ के बाद ये गाना आया है, शायद बीच में 2-3 गाने हो रहे हैं, 2 से 4 गाने, पर वो आवाज़ नहीं है जो इस गाने में आई है, बहुत ओरिजिनल आवाज़ आई है। सेकेंडली इमोशनल इसलिए हुआ, खुश इसलिए हुआ हूँ कलम का जादू कि जो विजुअलाइजेशन है, जो इमेजिनेशन है, वो मुझे इस गाने में कमाल की लगी। और वो जो लाइन थी कि जट को जिस्मों की भूख नहीं है, चाहे जट अपने दुश्मनों की बॉडी को नोच नोच के खाते हैं चील की तरह, जिसमें चील का वॉइस भी डाला है। अगर आप इस गाने का ऑडियो वीडियो ध्यान से सुनोगे तो दर्शकों को कहना चाहूंगा मेरी कमियां भी बताया करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट भी क्या करो, धक्का नहीं है, दिल को छू जाए तो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी भी बना लिया करो वीडियो को कट करके, या यूट्यूब के लिंक को अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बनाया करो। सक्षम वीरू मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, सक्षम सरदाना फेसबुक पे आईडी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, अलविदा।